मम्मी कहाँ रहती हो? पता है, 4-5 बार फोन कर चुकी हूँ, अब जाके उठाया है आपने। अरे मम्मी, तेरी भाभी के साथ बाहर चली गई थी और फोन घर पे ही छोड़ गई। अरे फोन को साथ में लेकर ही चली जाती, पता है मैं फोन कर करके परेशान हो गई। क्या बात हो गई, कोई जरूरी काम था? बस परेशान हो रही थी, मन हो रहा था भाग जाऊं कहीं, घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। ले तो यहाँ आ जा। नहीं आ सकती मम्मी, अभी फंसी हुई हूँ मैं यहाँ बहुत ज्यादा। फंसी हुई है? हाँ मम्मी, क्या बताऊँ, बता मेरे दोनों नंदे आई हुई हैं, दिन रात काम से फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे, तो सुबह से उनकी डिमांड पूरी करते करते रात हो जाती है, लेकिन उनकी फरमाइश से पूरी नहीं होती। अच्छा। बस मम्मी, पता मेरा तो जी ऊपर को आ रहा है, क्या करूँ? तू ऐसा करना, जब वो तेरी नंदे चली जाए ना, तो कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आ जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी, बस 2 दिन की और बात है, फिर देखती हूँ। दिमाग शांत करने के लिए ना आपके पास ही आऊंगी। अच्छा मम्मी, फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा। बेचारी। क्या भाभी, चाय तो ढंग की बना देती, ना इसमें दूध है ना चीनी है। ठीक तो है बेटा चाय। क्या मम्मी, ये चाय है पलीली सी, मैं नहीं पीती ऐसी चाय। और भाभी, अब दोबारा बनाओ ना तो ऐसे मत बनाना, मेरे तो दूध में पत्ती डाल के बना देना, समझी? ठीक है दीदी। अब तो सब छोड़, ऐसा कर खाना खा ले, बहुत देर हो गई है। नहीं मम्मी, अभी भूख नहीं है, पेट भरा हुआ सा है मेरा अभी। दीदी खाना लगा दूं? आप ही रह गए हो बस। नहीं अभी भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है मेरा, जब भूख लगेगी तो बता दूंगी। ठीक है दीदी। मम्मी मैं भी लेटा हूँ थोड़ी देर, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। भाभी कहीं ये कमर दर्द की वजह मैं तो नहीं हूँ? कहीं मेरे आने से कमर दर्द तो स्टार्ट नहीं हो गया आपका? नहीं दीदी, मुझे कमर दर्द तो ना ज्यादा देर खड़े होने से ही हो जाता है। जा तू आराम कर ले। अब इनके कमर में दर्द हो गया, ये नहीं हुआ थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठ के बात कर ले। ना रेनु, उसको कमर दर्द की प्रॉब्लम है ही, वो जब से उसको चिकनगुनिया हुआ था ना तब से ही है, ठीक रहती ही नहीं है बेचारी। रहने दो मम्मी, सब ड्रामे हैं, कुछ ना हो रहा है इनके। अरे तू उसकी छोड़, तू उस दिन वो अपने नंदों की बात बता रही थी फोन पर, फिर बताते बताते रह गई, क्या बात हो गई थी? अच्छा वो, अरे मम्मी उस दिन क्या हुआ, वो मेरी छोटी नंद है ना, जब वो आई हुई थी उनका जन्मदिन पड़ गया, और फिर मेरी सास तो है ही, ये बना लेते हैं वो बना लेते हैं, और वो मेरी बड़ी नंद घर को ऐसे सजाएंगे, वो वाला केक ले आते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले आएंगे, फलाना ढिमकाड़ा। मम्मी मैं तो सोच सोच के हैरान कि हे भगवान, मैं इतना सारा काम कैसे करूँगी, इन सब ने तो कह दिया। फिर उस दिन तो तुझे सारा दिन काम करना पड़ा होगा। कहाँ मम्मी, मैं बड़ा करती वो सब। फिर किसने किया? सब ने मिल के किया, पर मैंने नहीं किया। उस दिन तो मैं बिस्तर से उठी ही नहीं, पेट दर्द का बहाना करके ना पड़ी रही, सब आते रहे जाते रहे, पूछते रहे क्या हुआ भाभी क्या हुआ भाभी, ये दवाई ले लो, ये चूर्ण ले लो, ठीक हो जाएगा। अरे पेट दर्द होता तो ठीक होता ना। मेरी सास ने तो इनसे भी कह दिया, बेटा दर्द में आराम नहीं हो रहा ना, तू ऐसा कर बहू को डॉक्टर के पास ले जा। ये डॉक्टर के पास भी ले गए, और डॉक्टर भी ऐसा, उसने जाते ही अल्ट्रासाउंड कर दिया, 2-2.5 हज़ार रुपये तो लगे, लेकिन मेरा फॉर्मूला सक्सेसफुल हो गया। बड़ा मजा आया उस दिन तो मम्मी, पता नहीं ससुराल वाले बहुओं को समझते क्या है, बहू ना होगी काम वाली होगी, बस ऑर्डर दे दो और काम करवा लो। पर अब टाइम बदल गया है, हम भी आजकल की बहुएं हैं, हम भी है ना ससुराल वालों को ना लोहे के चने चबवा दें। अब जाके मम्मी मेरा तो गुब्बार सा निकला है आपसे बात करके, नहीं तो इतनी घुटन हो रही थी ना मुझे, क्या बताऊं।
अब मेरा दिमाग भी खाली हो गया और पेट भी खाली हो गया। अब मुझे ना भूख लग रही है, अब मैं जाके ना भाभी को बुला के लेके आ रही हूँ, खाना लगा देंगे मेरे लिए। अभी तो भूख नहीं थी तुझे, 15-20 मिनट पहले तो तेरी भाभी पूछ के गई थी तुझसे खाने के लिए, जब तो तूने मना कर दिया, अब तुझे भूख लग गई, अब वो बेचारी अभी लेटी होगी। अरे तो क्या हो गया, तब भूख नहीं थी अब लग गई भूख, अब मैं जा रही हूँ भाभी को जगाने के लिए, उसे लेटी रहने दे, मैं लगा देती हूँ खाना, खाना ही तो लगाना है, और वैसे भी वो सारा खाना बना के ही गई है, लगाना ही तो है, उसे लेटी रहने दे, कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर लेट जाएगी तो आराम हो जाएगा उसके, आराम करने को तो बड़ा वो 24 घंटे काम में लगी रहती हैं। और ये ना कमर दर्द के तो बहाने होते हैं सभी बहुओं के, ससुराल वालों को दिखाने के लिए, तेरी तरह जैसे तू नाटक दिखाती अपने ससुराल में। मम्मी तू दिखाती होगी ससुराल में नाटक, शुक्र मना कि तेरी भाभी ऐसी नहीं है। और ये क्या तुम आजकल की लड़िया सीख गई हो कि ससुराल में काम करने से वो लड़की काम वाली हो जाती है? तूने एक सेकंड नहीं लगाया अपनी भाभी को नाटकबाज कहने के लिए, क्यों? क्योंकि वो तेरी भाभी है, इस घर की बहू है। अब तो तुझे बड़ा नंद की सेवा का ज्ञान आ गया, और जब क्या हो गया था, जब तेरी नंदे तेरे घर आई थी, जब तो तुझे एक एक दिन काटना भारी हो रहा था उनके साथ, जब उनके लिए काम करना पड़ रहा था, तो सोच तू भी नंद है किसी की, अगर यही सोच तेरी भाभी की तेरे लिए बन जाए तो। बेटा जैसा व्यवहार दूसरों से अपने लिए चाहते हो ना, ऐसे ही खुद बनो, फिर देखना हर रिश्ता कितना अच्छा हो जाता है, समझी? हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, मैं खुद तो भाभी से ये चाहती हूँ कि वो मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरा मान सम्मान करें, और मैं खुद भाभी की जगह होकर अपने नंदों से जलती हूँ, उन्हें देख के मुंह बनाती हूँ। मम्मी मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपनी वजह से किसी भी रिश्ते को ख़राब नहीं होने दूँगी। चल अच्छा है तू जल्दी समझ गई, अब तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं मम्मी आप बैठो, मैं खुद लगा के ले आती हूँ। ये तो समझ गई, क्या आप समझ गए? अगर नहीं समझे हो ना तो जल्दी समझ जाओ, अगर हर रिश्ते में प्यार चाहते हो तो, बाकी आपकी मर्जी।